नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी पेटीएम ऐप को अपनी भीम ऐप के साथ लिंक करें। ये बहुत आसान होता है, सिर्फ एक या दो मिनट में आप अपनी पेटीएम ऐप को अपनी भीम ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको भीम ऐप पर ऑलरेडी रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपने अभी तक भीम ऐप पर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे भीम ऐप पर रजिस्टर करें, आप वो वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक अभी ऊपर शो हो रहा होगा और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, आप वो वीडियो देख लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि भीम ऐप पर रजिस्टर कैसे करना है। जब आप भीम ऐप पर रजिस्टर कर लो उसके बाद आप उसको अपनी पेटीएम ऐप के साथ लिंक कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी भीम ऐप पर रजिस्टर कर रखा है। तो अभी आप अपनी पेटीएम ऐप को भीम ऐप के साथ लिंक करने के लिए अपनी पेटीएम ऐप को ओपन करें। जब आप अपनी पेटीएम ऐप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर टैप करना है। यूपीआई ऐप पे टैप करने के बाद अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लॉगिन आपने उस मोबाइल नंबर से करना है जो मोबाइल नंबर आपकी भीम आईडी के साथ लिंक है, उस मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप दूसरे मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो आप भीम ऐप को लिंक नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि जो सेम भीम ऐप के साथ लिंक वो आपके फ़ोन में होनी चाहिए, जिस फ़ोन में आपने पेटीएम ऐप इंस्टॉल कर रखा है उस फ़ोन में वो सेम भी होनी चाहिए, तभी आप लॉगिन कर लें। अगर आपने पहले से पेटीएम पे अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इस पे टैप करके आप एक नया अकाउंट बना लें और मोबाइल नंबर वही रखें जो भीम ऐप के साथ लिंक है। तो अभी मैंने पहले से यहाँ पे अकाउंट बना के रखा हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड पेटीएम का एंटर कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन सिक्योरली इस पे टैप करता हूँ। यहाँ पे अभी आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जो बैंक है आपका भीम ऐप के साथ लिंक वो बैंक आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से आपका बैंक नहीं है कोई तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट फ्रॉम ऑल अदर बैंक, इस पे टैप करके आपको लिस्ट आ जाएगी सारे बैंक की और उनमें से अपने बैंक को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मुझे यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट अभी मेरे सिम कार्ड शो हो गए, सिम वन और सिम टू में जो मैंने सिम कार्ड डाले हुए हैं दोनों शो हो गए। अभी मुझे वो सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जो भीम ऐप के साथ मेरे बैंक के साथ लिंक है। तो मेरा सेकेंड वाला सिम भीम ऐप के साथ लिंक है तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे अभी वेरीफाई कर रहा है, यहाँ पे मुझे एसएमएस चार्जेस भी पड़े हैं। ओके दैट इज़ इट। यहाँ पे ये देखिए मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया अपनी भीम ऐप। तो अभी मैं अपनी पेटीएम ऐप को यूज़ करके किसी के भी बैंक पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, किसी से पैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पेटीएम ऐप पे भीम ऐप को लिंक करने का यही फ़ायदा होता है कि आप किसी भी टाइम किसी को भी कितना भी चाहे अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपने सक्सेसफुली पेटीएम ऐप पे रजिस्टर कर लिया है। अभी यहाँ पे आप मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन देख रहे हो, इस पे टैप करके आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई एड्रेस, अकाउंट नंबर डाल के, आधार कार्ड नंबर डाल के किसी को भी पैसे सेंड कर पाओगे अपने अकाउंट से। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे पेटीएम ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करें, आप वो वीडियो देख लें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और उसका लिंक ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि पेटीएम से पैसे कैसे भेजते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।